This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 20 खबरों पर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाए। इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार कड़ा फैसला ले साथ आए। एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मायावती ने लंबा पोस्ट किया है। उन्होंने मुस्लिमों से नाराजगी जताई है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधान ने संबलपुर लोकसभा सीट पर 1,00,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए 292 तो इंडिया को 234 सीटें मिली है। मथुरा में जीत के बाद हेमा मालिनी ने जमकर जश्न मनाया। हेमा मालिनी ने कांग्रेस के मुकेश धाकड़ को 293,407 लाख वोट से हराया। हेमा मालिनी को 5,10,064 लाख वोट मिले, जबकि धाकड़ को 216,057 वोट मिले हुए। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विजयी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने अपनी जीत पर कहा कि ये अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की जीत है। ओडिशा की 147 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 78 सीट जीतकर प्रदेश में पिछले 24 वर्षों से शासन कर रही है। बीजत को बेदखल कर सत्ता छीन ली है। शिवसेना नेता रविंद्र दत्ताराम वायकर मंगलवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम अंतर से जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव के जीत के बाद रायबरेली और वायनाड के लोगों को धन्यवाद किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि बेशुमार मोहब्बत देने के लिए वायनाड और रायबरेली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि नरेंद्र मोदी को नई चुनावी जीत पर बधाई और अच्छे काम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने जीत हासिल की है। शैलजा ने 278,497 वोटों से जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत सामने आई है। असम के धुबरी लोकसभा से कांग्रेस के रकीबुल हसन ने AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को 1,12,476 वोट से हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से काशी के सम्मानित मतदाताओं ने लगातार तीसरी बार मुझे अपना सांसद चुना है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। अभी तक चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम के साथ आखिरी राउंड में खेल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी वर्षा गायकवाड़ ने मुंबई उत्तर मध्य सीट अपने नाम कर ली। लोकसभा चुनाव नतीजों के बीच आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बीच नीतीश कुमार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से शेयर बाजार को ठोकर लगी थी और जबरदस्त गिरावट देखी गई थी। हालांकि आज भारतीय बाजार कुछ संभला दिखाई दे रहा है। आज सेंसेक्स 950 अंक चढ़कर 73,000 के पार खुलने में कामयाब हुआ। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इसी के साथ बॉलीवुड साउथ और भोजपुरी के कई सितारों को जीत नसीब हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा मार्जिन से हेमा मालिनी जीती है। ऐसी ही टॉप 20 खबरें जानने के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। धन्यवाद।